एवरी वन वेलकम टू वाइस ऑफ रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हेयर सो ट्रेडर्स आज शुरू करेंगे बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक यहाँ पर एक ब्रैकेट फॉर्म हुआ था अगर इस ब्रैकेट को मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रैकेट फॉर्मेशन है अब यहाँ पर और भी मल्टीपल चीज़ें बन रही हैं जैसे कि आपका एक ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर ओके okay, एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बन रहा है मार्केट में जो मूवमेंट है वो छोटी होती जा रही है इसका मतलब एक ब्रेकआउट आ सकता है एंड मार्केट जनरली काम कैसे करती है बड़े बड़े ब्रेकआउट लेती है फिर छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर ऊपर जाती है ये तरीका होता है सो मे बी ये वो जोन है जहाँ से मार्केट अब और दोबारा ऊपर जाने के लिए रेडी हो सो so, अब आपको किस चीज़ का ध्यान देना है अगर मार्केट कल फोर्टी थ्री के ऊपर ट्रेड करती है अगर यहीं पर खुलती है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो जो नेक्स्ट टारगेट है आपका वो 600 का है ओके okay? अब चलो 600 आसपास नहीं खुलती मार्केट ओके मार्केट खुलती है आप लेके चलो इधर 43 600 से लेके 620 ट्वेंटी ये है आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है पाँच मिनट टिकती है आप ट्रेड लीजिए क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका आता है अराउंड 893 पे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आता है राउंड नंबर 44,000 एंड देन आपका ये ठीक है तो आपको ध्यान देना है इस लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है 893 आपका 43893 अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है 43 सिक्स हंड्रेड टू सिक्स ट्वेंटी के बीच में अगर मार्केट क्लोज होती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है अच्छी सी ग्रीन कैंडल ये डोजी वोजी नहीं अच्छी ग्रीन कैंडल बनाती है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट जाना है तो ये आपका फोर्टी थ्री टू हंड्रेड के नीचे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पर शॉर्ट्स मत बनाइए कोई फ़ायदा नहीं इधर ओके क्योंकि जो मार्केट जिस तरह से जिस डायरेक्शन में दर्शा रही है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए यहाँ से तो शॉर्ट्स जो हैं वो यहाँ इसके नीचे बनेंगे क्योंकि पैटर्न जो है इनवैलिडेट हो जाएगा अगर आप एक चीज़ का ध्यान देंगे यहाँ पर आप देखिए मार्केट क्या कर रही है अब अगर दोबारा मार्केट में ऊपर जाना और और कॉन्ट्रैक्ट होना तो मार्केट को ऐसे होना पड़ेगा अगर मार्केट ये करती है और ये सब करती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन ओवर हो जाएगी ओके तो आपने ध्यान देना है कि ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा फोर्टी का जब तक आप शॉर्ट नहीं जाएंगे ठीक है मतलब आप सेल नहीं करेंगे पुट नहीं बाय करेंगे और इसके ऊपर आप ट्रेड करने वाले हैं क्लियर एंड सिक्स मैंने आपको लेवल बता दिया अगर यहाँ नहीं मिलती मार्केट सिक्स हंड्रेड के ऊपर मिलती है तो पाँच मिनट की क्लोजिंग और यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं क्लियर और अगर ये क्लियर होता है तो उसके बाद फोर्टी फोर थाउजेंड है एंड देन फोर्टी फोर वन हंड्रेड है तो ये टारगेट्स आपके आ सकते हैं ध्यान रखिएगा मार्केट बहुत अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड चांसेस हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट ने इधर एक ब्रैकेट फॉर्मेशन भी कर ली है जैसे मार्केट ने यहाँ पर की थी ओके okay? तो यहाँ पर कुछ मिल सकता है और अगर कुछ ऐसा हुआ मार्केट मान लो दोबारा यहीं पर खुली और अगली कैंडल ऐसे रेड बन गई तो आप जैसे यहाँ पर है आप यहाँ पर शॉर्ट जा सकते हैं मतलब पुट बाय कर सकते हैं टारगेट आपका क्या होगा टारगेट आपका फोर 450 होगा उसके बाद 200 होगा ये आप टारगेट्स प्ले कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आपको रेडी रहना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है ओके एंड मेक श्योर आप इन द मनी ट्रेड करें आउट ऑफ द मनी मत करिए आउट ऑफ द मनी मूव नहीं करती है। आप एनालिसिस बहुत अच्छी तरह करते हो सब कुछ अच्छी तरह करते हो बट अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले रहे हो तो आप चलता ही नहीं है वो फिर आप कहते हो मुझे नुकसान क्यों हो गया सो so, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पर अब आते हैं हम एक मैं आपको बैंक निफ्टी में एक चीज़ और बताना भूल गया था बैंक निफ्टी के अंदर ये चीज़ भी बन रही है ये मैंने आपको कल के चार्ट में भी बताया था ठीक है तो बैंक निफ्टी में बेसिकली तीन चार चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं ब्रैकेट फॉर्मेशन भी हो रही है ये आ, इस टाइप का पैटर्न भी बन रहा है ये कप एंड हैंडल भी बन रहा है और ये ऐसे ट्रायंगल भी बन रहा है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एनगल्फ हो रही हैं यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्रेकआउट के चांसेस हैं ओके okay? सो so, ऊपर के साइड अब हम देखते हैं आपका निफ्टी को निफ्टी में अगर आप ध्यान देंगे निफ्टी के अंदर क्या हुआ है निफ्टी में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया सब कुछ दे दिया यहीं पर मार्केट घूम रही है ओके okay? मतलब एक ब्रैकेट फॉर्मेशन बना रही है यहाँ पर अगर आप सम सॉर्ट ऑफ इस एरिया से देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रैकेट फॉर्मेशन बनाई थी और ये इसका ब्रैकेट लो है ये आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लो है ओके okay? और मार्केट यहाँ ब्रैकेट बना रही है तो क्लियरली ये जो जोन है ये इन दोनों का कॉमन है और ये जोन है आपका एटीन टू फिफ्टी का तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है पाँच मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनाती है तो आप यहाँ पर बाय करेंगे आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा एटीन थ्री हंड्रेड उसके बाद आपका टारगेट आता है थ्री सिक्सटी एंड देन फोर हंड्रेड ये टारगेट्स रहने वाले हैं आपके इसमें ट्रेड बहुत सिंपल है इसमें ज़्यादा इतनी कुछ है नहीं दोनों में एक्चुअली बहुत सिंपल ट्रेड है बस आपको वेट करना होगा अपने लेवल्स का गैप अप अगर होता है तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए जो लेवल्स हैं आपके जिसके ऊपर मार्केट ओपन हो सकती है ओके और आपका अगर आपने शॉर्ट जाना है तो उसका लेवल है 160, 160 के नीचे अगर मार्केट रहती है मतलब 18, 160 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है यहाँ पर टूट के नीचे जाती है तो चांसेस है कि मार्केट एटीन वन एंड देन 18,000 थाउजेंड इन सबको टच कर सकती है बट जिस लेवल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और जैस टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर चांसेज हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगी राधर देन नीचे बट हमें दोनों तरफ के प्लान्स बनाना बहुत ज़रूरी है मार्केट में आप बायस लेके नहीं जा सकते बिकॉज लाइव मार्केट्स के अंदर एनीथिंग कैन हैपन और आपको अपना बायस चेंज करना पड़ता है ड्यूरिंग द मार्केट्स तो अगर आप स्टिफ हैं अपने बायस के साथ तो प्रॉब्लम है कि आपका नुकसान हो सकता है ओके सो आई होप दिस अनालिस वॉज गुड अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए शेयर करिए एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जॉइन भी होगा बिकॉज़ वहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव मार्केट्स के अंदर कुछ ना कुछ अलर्ट या जो भी मुझे समझ में आते हैं मैं वो देता रहता हूँ टिप्स नहीं देता हूँ मैं मैं बहुत क्लियर हूँ मैं बस अपना व्यू देता हूँ जिससे आप लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं या फिर आप लोग कुछ सोच रहे हैं नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट आपको कुछ हेल्प मिल जाए वहाँ पर ओके सो लाइक करिए शेयर करिए एंड कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग